तो हम लोग पूर्व में पढ़ रहे थे कि वो किसी मेघ से निवेदन कर रहा था कि आपको अलकापुरी जाना है। क्यों? बोले हमारा संदेशा कहना किससे? यक्षिणी से। तो पूरे पूर्व मेघ में, पूरे पूर्व मेघ में स्पष्ट रूप से केवल और केवल मेघ अलकापुरी तक जाने का मार्ग बताता है ना। चाहे जैसा भी हो, जैसे अलकापुरी जाने के मार्ग में बीच में उज्जैनी पड़ गई, उज्जैनी का वर्णन करने लगा, वो उज्जैनी का वर्णन करना अभीष्ट नहीं था, वो तो रास्ते में उज्जैनी पड़ गई इसलिए कुछ उज्जैनी के लिए लिख दिया नहीं। रास्ते में माला प्रदेश आ गया, रास्ते में नदियां आ गई, रास्ते में पहाड़ आ गए इसलिए उन सबका वर्णन होता गया। नदी पहाड़ वर्णन, उज्जैनी का वर्णन, माला प्रदेश का वर्णन, दशार्ण का वर्णन, विदिशा का वर्णन, नदियों का वर्णन, पहाड़ों का वर्णन, ये उसका अभीष्ट नहीं था। उसका अभीष्ट था अलकापुरी तक कैसे जाओगे, किस मार्ग से जाओगे, ये उसका मुख्य वर्णन था ना। बीच में अमरगिरी पर्वत आ जाए, अमरकुंड पर्वत आ जाए, या कि कोई सारी नदियां आ गई, कुछ नगरियां आ गई, ये उसका गौण प्रयोजन। अब वो वहां तक पहुंचा दिया था। आप पिछले श्लोक में आपने देखा था पूर्व में कि वो कहा था कि आप अलकापुरी के नहीं पहचान पाओगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि कैलाश पर्वत की गोद में बैठी हुई अलका तक उसने पूर्व में के आखिरी श्लोक तक मेघ को उसने कहां तक पहुंचा दिया था। अब अलकापुरी ऐसी है तो उत्तर मेघ में दो विशेष वर्णन है, एक तो अलकापुरी का, दूसरा यक्षिणी का। एक अलकापुरी का और दूसरा यक्षिणी के वर्णन के संदर्भ में वो अपने घर का वर्णन करता है, द्वार का वर्णन करता है, ये सब उसी यक्षिणी वर्णन में समाहित हो जाता है। यानी एक वर्णन है कि शुरुआत में जब आप उत्तर मेघ पढ़ेंगे, जहां से आज हम लोग शुरुआत करेंगे, तो आप देखेंगे कि अलका की चर्चा हो रही है। किसकी? और अलका भी पुरी है, नगरी है, आकारांत है, स्त्रीलिंग है, और यक्षिणी भी इकारांत है, स्त्रीलिंग है। माने दो स्त्रियों का वर्णन होगा, एक अलका का और एक यक्षिणी का। यक्षिणी का सीधा संबंध किससे है? यक्ष से। और अलका का सीधा संबंध किससे है? मेघ से। मेघ जाएगा और मेघ से कहेगा कि तुमको इतनी सुंदर नगरी दिखाएंगे ना। अब मैं उत्तर मेघ की शुरुआत, यदि आप इतना समझ गए हो तो समझिए कि पूरा उत्तर मेघ पढ़ लिया। पूरे उत्तर मेघ में आप प्रारंभ में अलका का वर्णन देखेंगे, अलका को देखेंगे, और उत्तर मेघ के उत्तरार्ध में यक्षिणी का दर्शन करें, ठीक है? तो कुछ यक्षिणी की यादें हैं उसके दिल में वो भी, और कुछ अलकापुरी की। देखिए, इस ये व्यक्ति 8 महीने से बाहर है, तो क्या आप अपने गांव से 8 महीने से बाहर होते हैं तो गांव भूल जाता है क्या? नहीं, गांव की गलियां नहीं भूल जाती, गांव का चप्पा चप्पा आपको याद रहता है। और जब कभी ऐसा प्रसंग आता है कि अपने गाँव की बड़ाई करनी हो तो व्यक्ति और बड़े तामझाम से करता है। अब किससे कर रहा है? किससे कर रहा है? तो मेघ को लगता होगा कि मैं बहुत ऊंचा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, इसलिए वो अपने नगरी के भी। अब आप देखिए, नगरी अलका है कहाँ? अलका कहाँ है? तो कैलाश पर्वत कितना ऊंचा होगा, और इतने ऊंचे के बाद अलका नगरी ऊंची ऊंची बनी है, अट्टालिकाएं, महल, तो वो कितने ऊंचे होंगे। इस तरह से मेघ की ऊंचाई के बराबर अलका की ऊंचाई होगी। बोलो हाँ, इसलिए कि बनी ही इतने ऊंचे पर है। बोलिए, अब 7 मंजिला 8 मंजिला 20 मंजिला 25 मंजिला बने होंगे। भैया, कुबेर की नगरी है, पैसे की कमी है क्या? और जिसके पास पैसे की कमी नहीं होती उसके घर 1 मंजिल होते हैं, रहने वाला कोई हो चाहे ना हो, मंजिल ज्यादा रहेंगे। समझ में आया? तो आप ये बैक पृष्ठभूमि लेके चलिए कि कुबेर देवताओं के वित्तेश हैं, इसीलिए यक्षों का एक नाम वित्तेश भी है। वित्ता नाम ईशा वित्तेशा, वित्त माने धन, रुपया, पैसा। अब आपको उत्तर में समझना आसान रहेगा कि हम पंक्तियों में क्या पढ़ेंगे, एक अलग बात है। आप भौगोलिक पृष्ठभूमि समझ गए। भौगोलिक पृष्ठभूमि में आपने देखा कि हिमालय पर्वत में कैलाश है, बहुत ऊंचा पर्वत है, और कैलाश में भी एक नगरी बसी है, क्या? अलका। और अलका में भी बहुत सारी अट्टालिकाएं हैं। तो बटचुड़ी बहुत ऊंचे में बसी है, बहुत सुंदर लगती होगी। वैसे भी जंगलों में, पहाड़ों में, पर्वतों में, हिमालय में किसी का घर बना हो सुनो कितना अच्छा लगेगा,
लोग हिमालय घूमने जाते हैं, बर्फ में घूमने जाते हैं कि नहीं, वहां कोई नगरी बसी हो तो प्राकृतिक रूप से कितनी सुंदर होगी, आप ऐसी कल्पना कर लीजिए बिना श्लोक पढ़े। बोलिए, अब वहां आपको लगता होगा कि क्या वातावरण प्रदूषित होगा वहां? नहीं ना, ये तो कितना कितना एटमॉस्फेयर, खासकर आजकल सोचिए कैसा अच्छा होगा, पूरा बर्फ बर्फ होगा, चारों ओर से सफेदी छाई होगी, बड़ा मस्त लग रहा होगा। तो जरा पढ़ने की कोशिश करिए कि कालिदास की दृष्टि में, उस यक्ष की दृष्टि में, अच्छा जब अपना गांव देश बताना हो, चाहे जितना घटिया गांव हो, चाहे जितना गंदा गांव हो, जनरली कोई भी होशियार समझदार आदमी अपने गांव की, अपने देश की, अपने समाज की बेइज्जती नहीं करता। यक्ष करेगा? नहीं करेगा। यक्ष अपनी नगरी का वर्णन कर रहा है, और अपनी नगरी का वर्णन जब कर रहा है तो कितना अच्छा कर सकता है, अच्छी है भी वो, और अच्छे के बाद भी उसको और अच्छा करना है। अब वो आगे के श्लोकों में कहता है, अलका का वर्णन का पहला श्लोक कहा, कुलवेद्योद्वन्तम् ललितवनिता विशेषताएं हमारे प्रासादों में है, जो जो विशेषताएं तुम में,
जो जो विशिष्टताएं तुम में है, जो जो अच्छाई तुम में है, जो जो विशेषण तुम में है, जो जो सुंदरता तुम में, जैसे जैसे तुम हो वैसे वैसे मेरे प्रासाद है। कालिदास ने सीधी सीधी लाइन लिखी कि प्रासाद कहां के यत्र प्रासाद जहां के मैं प्रासाद तुमसे तुलना करने के लिए यत्र माने जहां के प्रासाद हमारे प्रासाद भवन पर्याप्त हैं, समर्थ हैं, अर्थात बराबरी कर सकते हैं तुम्हारे साथ। तुम्हारी तुलना करने के लिए हमारे यहाँ के बड़े बड़े विशाल प्रासाद तुम्हारे साथ उनकी तुलना हो सकती है। समझ में आया? मेघ नीचे होता है क्या? मेघ बहुत ऊंचे होता है। तो बोले उतनी ही ऊंचाई के हमारे यहाँ महल बने हैं जितनी ऊंचाई के तुम हो ना। अब जैसे जैसे और आगे एक और कहा तई ही विशेष तई ही उन विशेषताओं से युक्त हमारे प्रासाद हैं। तई ही जो जो विशेषताएं तुम्हारे अंदर है वही वही विशेषताएं हमारे प्रासाद में ना। चौथी लाइन समझ गए? तो बस बाकी तीन लाइनों में केवल तुलना है, बाकी की ऊपर की तीन लाइनों में तुलना है कि मेघ कैसा है। कालिदास की दृष्टि में मेघ में क्या क्या विशेषताएं हैं, मेघ में क्या क्या गुण है, वही वही गुण है किसमें? अलकापुरी के प्रासाद में। तो कालिदास की वाणी है और दृष्टि है यक्ष की, कौन देख रहा है और सुनाया जा रहा है मेघ से। तो यहाँ त्वाम से किसका बोध हुआ? युष्मत शब्द का द्वितीय का एक वचन त्वाम तुमसे तुम तुलना करने के लिए अलम है क्या बोले प्रासाद यत्र जहां के। यत्र पद से किसका बोध हो रहा है? अलकापुरी का। और प्रासाद कहाँ के? अलकापुरी के प्रासाद किससे तुलना करने में समर्थ है? मेघ से। ये बात कौन कह रहा है? किस ग्रंथ में कही जा रही है? हाँ, ये उत्तर मेघ का पहला श्लोक है जहाँ तुलना से शुरुआत हुई। मेघ की तुलना हो रही है किसके साथ? महलों के साथ। अथवा महलों की तुलना की जा रही है किसके साथ? तुलना भी करो तो कालिदास ने कहा कि तुलना ही करना है तो किसी अपने ऊपर वाले से तुलना करो। ये जो देखते हैं इससे कुछ नहीं बनता, हमसे बहुत बनता है, उससे तुलना करो जो बहुत ऊपर है। बनना ही चाहते तो ऊपर वाले को देखो कि हमें उसकी तरह बनना है। ये पहले श्लोक का भावार्थ है। अर्थात प्रासाद की तुलना किससे? क्या अलकापुरी से नीचे प्रासाद नहीं थे क्या? थे। अलकापुरी के प्रासाद से नीचे भी दुनिया में बहुत महल बने हैं। कालिदास ने कहा कि महलों को छूना ही है तो अमर को छुओ, मेघ को छुओ, आकाश तक फैलो, उनसे तुलना करें। ऑलरेडी यार जिस आदमी को संरक्षण भगवान शंकर का प्राप्त हो, जिस आदमी को संरक्षण, जिस नगरी को संरक्षण कुबेर का प्राप्त हो, वह कुबेर यदि ऊपर आकाश की ओर नहीं उठती है वो नगरी, तो क्या वो देखती कि हमारे नीचे कितने नगर बसे हैं, हमसे छोटे कितने नगर बसे हैं? कालिदास ने अपने उत्तर में की तुलना से पहली लाइन में कहा कि गुरु बड़ा बनना है तो किसकी तरह बना। देखो तुमसे ऊपर कितने लोग हैं, तुमसे आगे कितने लोग हैं, तुमसे बड़े कितने लोग हैं, तुमसे ऊंचे कितने लोग हैं, तुमसे सुंदर कितने लोग हैं, तुमसे विद्वान कितने लोग हैं, उस तरह की तुलना करना, लाइन पढ़ना। प्रासाद आपको लगता है कि हमारी विद्युत वनिता है, विद्युत हमारी, तो तुम विद्युत वंतम हो और त्वाम विद्युत वंतम में भी द्वितीया का एक वचन, त्वाम में भी द्वितीया का एक वचन। इसीलिए कालिदास ने एक बात और सिखाई कि पहले अपनी विशेषता मत बताना, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। दिक्कत यही होती है, लोग अपने को कहें मैं ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। कालिदास ने कहा नहीं, तुम ऐसे हो विद्युतवंतम त्वाम। बोले आप कैसे हो, आपकी विशेषता बताइए। दूसरे की विशेषता बता रहा है, यक्ष कह रहा है कि तुम बिजली वाले हो। अरे बड़ा अच्छा है, बिजली में चमक होती है, बिजली में प्रकाश होता है, बिजली में चंचलता होती है। तो बिजली में चंचलता है तो सुनो प्रासादों में क्या है। बोले तुम विद्युतवंत
बहुत सारे रंग, न जाने कितने रंग
स्त्रियों की, नहीं। अब यहाँ दो विशेषताएं आपने देखी, उन्होंने कहा तुम विद्युत वंतम और तुम क्षेत्र जापम। यदि तुम विद्युत वंतम तो प्रसादा हलित वनिता, यदि तुम क्षेत्र जापम तो प्रसादा सचित्रा। और बोले संगीता संगीत के लिए नृत्य गीत और वाद्य तीनों मिलकर के संगीत होता है, जहां नाचना गाना बजाना तीनों हो जाए उसको क्या कहते हैं संगीत। तो संगीत आय संगीत के लिए प्रहत बजाए जाते हैं मूरज, जहां पर वो है अलकापुरी के प्रासाद। अलकापुरी के प्रासादों में नृत्य गीत वाद्य के लिए प्रहत बजाए जाते हैं मूरज। एक वाद्य विशेष है वहां मूरज बजते हैं, वहां मुरज की ध्वनि होती है, मुरज वाद्य यंत्र की ध्वनि होती है, जिससे बड़ी गंभीर ध्वनि निकलती है, बड़ी तेज ध्वनि निकलती है, बहुत दूर तक जाने वाली ध्वनि निकलती है। मुरज वाद्य यंत्र बहुत तेज आवाज करता है, गंभीर घोषणा करता है, उसका उद्घोष बहुत तगड़ा होता है। और खासकर महलों के अंदर जब आप थोड़ी मोड़ी बात भी कहते हैं तो आवाज गूंजती है, और जिन महलों के अंदर मुरज के वाद्य यंत्र बजेंगे तो कितनी गंभीर गर्जना होगी, कितनी गंभीर घोष होगा, आप इसकी कल्पना करें। और आपके अंदर क्या है, बोले स्नेह गंभीर आपके अंदर भी बड़ी स्निग्ध गंभीर उद्घोष है। आप भी जब गरजते हो तो बड़ी मधुर ध्वनि से बड़ी उद्घोष ध्वनि निकलती है, बड़ी गंभीर ध्वनि आपके अंदर से निकलती है। ऐसी ही गंभीर ध्वनि, ऐसी ही स्निग्ध ध्वनि प्रासादों से निकलती है। जो अलकापुरी के प्रासादों से गंभीर ध्वनि निकलती है वो मुरज ध्वनि होती है, मुरज वाद्य यंत्र की ध्वनि होती है। अर्थात आप भी बोलते हो, प्रासाद भी बोलते हैं, आप भी गर्जना करते हो और अलकापुरी के प्रासाद भी गरजते हैं। अलकापुरी के प्रासाद गरजते हैं मुरज ध्वनि से और आप गरजते हो अपनी गर्जना से। तो गर्जना आप में भी है, गर्जना महलों में भी है, लेकिन गरज गरज में फर्क है। एक संगीत की गरज है और तुम्हारा बेसुर ताल लय की गरज है, यही तो गरज है। और तुम्हारी गरज है कि तुमको गरजना पड़ेगा, तुम्हारी गरज है तुमको गरजना पड़ेगा। और तुम कब गरजोगे ये भी बड़ी बात है। अरे तुम गरजोगे साढ़ गरजोगे, सावन गरजोगे, भादव गरजोगे, बहुत करोगे तो। और वहां तो संगीता जब बरसोगे तो गरजोगे, या जाए होगे तो गरजोगे। और संगीत तो सवेरे कर जाए, दोपहर ही कर जाए, शाम कर जाए, चैत कर जाए, बैसाख कर जाए, जेठ कर जाए, असाढ़ कर जाए, संगीत कब हो गए बारह महीने कर दे गुरु। ये कालिदास की तुलना है, तुलना करके मजा लेना। इसीलिए कालिदास ने कहा संगीता, संगीता कहने की क्या जरूरत थी। अरे बोले तुम गरजते भर हो, नाचते नहीं हो, और वहां बाजा बजता है, तुम लोग नाचते बाजा बजे और बढ़िया गोल न थरके, ऐसे कैसे हो सकता है। इसीलिए कहा संगीत तीन चीजों से बजता है। बोले वहां बाजा भी बजता है, गाना भी होता है, नाच भी होता है। दो चीजें तुमसे जाता है और तुम तो केवल गरजते बस हो। ऐसा लिखा नहीं है, मैं आपको तुलना करके बता रहा हूं कि कालिदास ने कहा संगीत के लिए मुरज बजता है। अब जब संगीत के लिए मुरज बजेगा तो संगीत किसको कहते हैं, नृत्यम वाद्यम नाचना गाना और बजाना, तभी तो संगीत होगा। और कालिदास ने लिख दिया संगीताय, संगीताय संगीत के लिए मुरज बजता है। इसका मतलब गाना बजाना नाचना होता। और तुम्हारे यहाँ सूखा सूखा क्या, बोले स्नेह गंभीर संगीताय गरजते हैं तो सृष्टि नाचती है, मोर नाचता है, तो उधर भी संगीत की तुलना बनाई। कैसे, बोले आप जब गरजते हो तो मोर भी तो खुश होकर नाचने लगते हैं,
और सृष्टि में भी तो संगीत में माहौल हो जाता है, बादलों की गर्जने से प्राकृतिक गरज है, उसी प्राकृतिक गरज की बोले संगीत तुम्हारी ओर से भी, संगीत इधर से भी, तुम मोरों को नचाते हो और यहाँ भी मोरच का वाद्यंत्र बजता है संगीत के लिए, तो तीन प्रकार की तुलना हुई, तुम विद्युतवंतम तो उधर ललित वनिता, ये पहली तुलना हुई, तुम सेन्द्र जापम तो प्राशाद सचित्रा, तुम स्निग्ध गंभीर घोषम, तुम्हारे अंदर स्निग्ध गंभीर घोष है, तो इधर संगीत आया प्रणम हो जा। चौथी तुलना की तीसरी पंक्ति में बोले अंतरस्तो तुम अंतस्तोयम, अंदर है तो तुम्हारे बहुत ही समाज, अंतस्तोयम त्वाम, अंतस्तोयम हाँ अंदर ही है जल जिसके कोई बने, अंतर्गतम तोयम यस्य सः कौन मेघा, अंतर्गतम तोयम भीतर ही भीतर है जल जिसके ऐसा कौन, बोले अंतस्तोयम, तो इधर प्रासाद में क्या है, बोले माणि माया भुवा अंतस्तोयम माणि माया भुवा, तुम्हारे अंदर जल है तो जब मेघ के अंदर जल होगा तो जल की थोड़ी बहुत झलक दिखाई पड़ेगी, थोड़ा स्निग्ध रहेगा, थोड़ा चिकना लगता होगा मेघ, कैसे लगते हैं बरसने वाले मेघ, पानी एकदम भरा हो बरस नहीं रहा हो, एकदम लगता है कि थोड़ा सांवला सांवला लगता है, बोले आप बताइए फर्श कैसी होती है, फर्श मणिमय भुवा फर्श देखे हो, अच्छा अपने वाली है जो सीमेंट से फर्श करा, सीमेंट के फर्श का कलर देखो, जल देखो देखिए, अब बादल देखो देखिए, फिर से देखो अंतस्तोयम, पानी भरे हुए बादलों को देखो, फिर देखो भूमि को देखो, भुवा को देखो, कुटिन को देखो, फर्श को देखो, तो आपको समझ आएगा क्या ये प्रथम शताब्दी के कालिदास की तुलना है, जो उन्होंने बोले कि अब जैसे आपके अंदर पानी भरा होता है तो स्निग्धता होती है, शीतलता होती है, सुंदरता होती है, ऐसे ही मणि के फर्श बने, किसके बने हैं, मणिमय भुवा, मणिमय मणियां भी तो चमकती हैं, मणियां भी तो स्निग्ध होती है, तो आपके अंदर जब जल भरा होता है तो आप जल के कारण स्निग्ध लगते हो, सुंदर लगते हो, अच्छे लगते हो, ऐसे ही यहाँ क्या होता है, यहाँ मणियों का प्रकाश है, इनके फर्श में क्या है, मणियों से फर्श की गई, इसलिए मणियों से लाइट निकलती है, मणियों से भी प्रकाश निकलता है, मणियां सुंदर लगती है, तो बोले अंतस्तो मणियों में चमक दमक होती है और तुम्हारे अंदर जो पानी है वो झिलमिला रहा होता है, तो पानी की झिलमिलाहट तुम्हारे अंदर पानी की शोभा वैसे ही है जैसे यहाँ के फर्शों में, यहाँ का मणियों में जो चमक दमक होती है उसी तरह की चमक दमक कुछ तुम्हारी हो जाती है जब तुम्हारे अंदर पानी भरा होता है, तो तुम अंतस्तोयम तो प्रासादाह मणिमय भुवा, तुम अंतस्तोयम तो प्रासादाह मणिमय भुवा, और तुम तुंगम, तुम क्या हो, तुंगम बहुत तुंग हो, बहुत ऊंचे हो, बहुत ऊपर ऊपर रहते हो, तो महल भी हमारे यहाँ के कुछ नीचे नहीं है, हमारे यहाँ के महल भी अब हमारे में और ब्रह्मली, मेघों को मानो चाटने की कोशिश करते हैं, मेघों को छूने की कोशिश करते हैं, अब ब्रह्मली अग्रहा, प्रासाद का जो अग्रभाग है, हमारे यहाँ प्रासाद का जो अग्रभाग है, जो गोदन चुंबी चोटियां है, जो उसकी आखिरी मंजिल है, वो प्रासाद की आखिरी मंजिल भी लगता है कि जैसे चाट लेगी किसको, किसको, मेघ को, अब जब तुम्हारे पास तक पहुंचती नहीं तो जो तुम्हारे पास तक पहुंचेगा वही तो अभ्रमली होगा, तो अभ्रमली हाग्राह प्रासादाह, अभ्रमली हाग्राह, और तुम कैसे, तुम कैसे, अब देखो त्वाम का विशेषण किया, त्वाम बोले विद्युतवंतम त्वाम, विद्युतवंतम सेन्द्र चापम स्निग्ध गंभीर घोषम अंतस्तोयम और तुंगम ना, त्वाम में द्वितीय का एक वचन, इसे विद्युतवंतम त्वाम सेन्द्र चापम त्वाम स्निग्ध गंभीर घोषम त्वाम अंतस्तोयम त्वाम तुंगम त्वाम, अब प्रासादा में प्रथमा का बहुवचन, तो कहा ललित वनिताः प्रासादाः, ललित वनिताः सचित्राः,
रासादाह जोर से बोलिए, सचित्रा है क्या? रासादाह ललित वनिता है क्या? और प्रहत मुरजाह रासादाह मणिमय भुवः अभ्रमिहाग्राः इसीलिए प्रासादाह त्वाम तुलयितुम बलम् प्रासादाह तैहि तैहि विशेषैहि त्वाम तुलयितुम अलम्। समझ में आ गया? और कुछ बताना है? बात क्लियर हो गई? पूरा श्लोक आप तक पहुंच गया? मंदाक्रांत का छंद बोले देवत्वम तम ललित वनिता, देवत्वम तम ललित वनिता सेन्द्र चापम सचेता संगीता बताएंगे।